नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का रहता है कि सर आप अपने शॉप का हमें वीडियो नहीं दे पाते हो, और हम ज़्यादा करके आप जहाँ पे मशीन लेके जाते हो हम वहीं का हम वीडियो देख पाते हैं, हमें आपके शॉप का वीडियो चाहिए। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आप लोगों को अपने शॉप के साथ शॉप में रह के आपसे बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि वाकई मुझे फुर्सत तो नहीं मिल पाती, आप लोग देखते हो टूर पे टूर रहता ही हमारा, तो हम ज़्यादा करके बाहर ही वीडियो बनाते हैं। तो आज जो है हमारे लिए गुलबर्गा से, कर्नाटक गुलबर्गा से प्रशांत जी आए हुए मशीन देखने के लिए, तो हमने सोचा कि आज शॉप के अपने शॉप पे ही उनका वीडियो बना लेते हैं। तो जैसा कि अपना शॉप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ज़्यादातर ताज बटन की मशीनें दिखेंगी, और जैसा कि आप सभी जानते भी हो मेरा काज बटन का ही काम काज है। तो प्रशांत जी से हमारी आज जो 4-5 दिन से बात हो रही है, तो मशीन उनको चाहिए था, तो उनके मन में आया कि एक बार सुदर्शन जी की दुकान पे भी हम जाके आ जाए। तो आज मॉर्निंग में हमारी दुकान पे आए हैं और मशीनें भी उन्होंने देखा, जब काफ़ी सारी मशीनें देखा उन्होंने काज की, तो उन्होंने बोला सर आपको जो अच्छी लगती हो दे दीजिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि काच की काफ़ी सारी मशीन है, तो ना थोड़ा सा एक एक मशीन भी सब दिखाएंगे। ये जो फर्स्ट में है आई काच की मशीन है, एक कोट की काच की मशीन है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि शर्ट के काच की मशीन है, और ये भी शर्ट के काच की मशीन है आप देख रहे हैं। और ये है बॉबिन केस वाली बटन मशीन, लॉक स्टिच कहते हैं हम, लॉक स्टिच नीचे से धागा लॉक होना चाहिए, तो इसमें बॉबिन केस वाली मशीन है और ये काज है। इसके बाद आप देखेंगे एक ही पटरे पे काज और बटन दोनों फिटिंग है, आप देख सकते हो। और उसके बाद आप शॉप में मेरी काफ़ी सारी मशीनें देख ही रहे हैं, ये सब काज बटन की मशीनें हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कभी कभी कुछ कस्टमर लोग का रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें बड़े मोटर पे चाहिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने बड़े मोटर पे काज मशीन सेट किया हुआ है, और ये बटन मशीन है। और ये भी आप देख रहे हैं कि बटन मशीन एक ही मशीन सेपरेट टेबल पे फिटिंग है। तो जैसा कि आपने मेरा शॉप देखा, ये हमारा एक छोटा सा शॉप है, और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा शॉप चल रहा है। और जिस किसी भाई को कभी कभी मन में कुछ सवाल देते हैं, यार हमें शॉप देखना है, तो आप शॉप देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज कर्नाटक गुलबर्गा से प्रशांत जी हमारे साथ आए हैं, तो इससे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उनको हमारा शॉप कैसा लगा, और उनको मशीन यहाँ पे देखे तो कैसा लगा। तो प्रशांत जी थोड़ा सा आप यहाँ पर आएँगे, हमारी दुकान छोटी है तो इसके लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे काम किया, और मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरी दुकान पे आए मशीन देखने के लिए, और आप सुबह ही आ गए, बहुत अच्छा लगा। तो प्रशांत जी आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएंगे कि दुकान कैसा लगा आपको, और मशीनें यहाँ पे आपने काफ़ी सारी देखी, और सारी मशीनें कैसी हैं? बढ़िया, तो दुकान तो बढ़िया है, आके इधर ले मशीन अच्छे वाला मिलता है, क्वालिटी वाला मिलता है। मैं तो 4 दिन से यूट्यूब में देखे आया हूँ, मैं मिला भैया से बात करा, भैया बोले तुम बेफिक्र रहो, मशीन अच्छा मिलता है, टेंशन मत लो, आओ तुम्हें देखो, पसंद करो, काज मारो, बटन मारो, देखे ही लेके जाओ। बोले मैं आया देखा पूरा मशीन देखे तो मेरे को लगा कौन सा लो कौन सा ना लो ऐसा लगा। फिर मन में सोचा कि भैया का गारंटी से लेंगे, ऐसा सोच के मैंने क्या किया, भैया को बोले भैया तुम्हारा मन की पसंद से जो जो मगर अच्छे वाला जो बोले, उन्हें बोले सब अच्छे है, हमारे पास जो आएगा वो अच्छे ही देंगे, अगली कस्टमर के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैं अच्छे देती करके इतना बोलने के लिए मैं ये करता हूँ। आओ लेओ, अच्छा है, अच्छा काम करो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा रहो, बस इतना ही है और कुछ नहीं। प्रशांत जी थोड़ा कन्नड़ा में बात करेंगे तो जो हमारे, अरे कन्नड़ बोले तो मेरे को बहुत प्रेमी है उसमें, अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो मातृभाषा है सबसे उस पर गर्व होना चाहिए। और आप अपनी मेन कन्नड़, कन्नड़ में है ना, कर्नाटक में कन्नड़ बहुत भारी भाषा है। और प्रशांत जी आपको बता दूं, ऊपर वाले की कृपा से मेरा कर्नाटक में बहुत अच्छा काम काज चल रहा है, लोगों का ट्रस्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है कर्नाटक से, इसके लिए पूरे कर्नाटक को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करूंगा कि आप अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए, कर्नाटक में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और प्रशांत जी हमारे कर्नाटक से आए तो सर कर्नाटक में आपसे बात करेंगे कन्नड़ भाषा में। नमस्कार कर्नाटक, एलू नमस्कार, नानू गुलबर्गा दाटिंचोली तालूक
ಕಾಟಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮ. ನಮ್ಮದು ನಂದು ಟೇಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಸುರೇಶ್ ಟೇಲರ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಾಗ್ಪಟ್ಟಣ, ನನಗೆ ಆಳಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತಕಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಹುಡ್ಕಾಡ್ದೆ, ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದೆ, ಮೆಷಿನ್ ಹುಡ್ಕಾಡ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೆಷಿನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸಾಕು, ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಜನೇಬಲ್ಲು, ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಸ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೇಟು. ನೀವು ಅಂದಾಜೆ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ, ಆ ಥರ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. प्रशांत जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि यार हम जो टेलर है ना, टेलर की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो अर्जेंट अर्जेंट में सिलाई मशीन पे सारे काम कर डालते हैं. कस्टमर ने बोला यार अर्जेंट चाहिए, तो आपने क्या किया, कारीगर को बोला भाई आज नाइट में रुकना है, अर्जेंट काम कटाना है. जरूरी है ना भैया, क्योंकि कस्टमर की भगवान है हमारा. कस्टमर जो रहता है भगवान है, भगवान को हमें सेवा करे तो हमारे को भगवान कृपा देते हैं. तो कारीगर तक तो काम फास्ट हो जाता था, और सारा जो लेट है ना काज बटन पे होता था कि काज बटन को लेके गए तो आज शॉप बंद है, आज लाइट नहीं है, तो शाम को आना, सुबह आना. तो ये सब तकलीफों से बहुत परेशान हो गए ना प्रशांत जी ने काज बटन मशीन ले रहे, क्योंकि बता रहे थे कि काज बटन को हमारा पूरा दिन चला जाता था. काज बटन के लिए जाते थे तो पूरा दिन खराब हो जाता था. तो आज के समय में कैसा है कि हमने समय बचा लिया या फिर पैसा बचा लिया, दोनों सेम हो गया है. तो इन्होंने समय बचाने के लिए काज बटन की मशीन ले रहे हैं, और इनसे इनका काफ़ी समय बचेगा, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएंगे. क्योंकि कभी कभी होता है काज बटन के लिए चले गए, दो कस्टमर दुकान पे जाके रिटर्न हो जाते हैं. तो हम भी चाहेंगे कि प्रशांत जी जिस तरह जिस तकलीफ को जूझ के आज मशीन लिए हैं, अगर आप भी उसी तकलीफ से जूझ रहे हो, तो आपको मैं तो मेरा सजेशन है आपको जल्दी से जल्दी काज बटन मशीन ले लेना चाहिए. क्योंकि आपने अगर अपना समय कीमती समय बचा लिया, तो आपने दो कस्टमर ज़्यादा अटेंड कर लिया. और प्रशांत जी अपने साथ में एक वहाँ के आलम के एक मैकेनिक हैं ख्वाजा भाई, उनको भी लेके आए हैं, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे. ख्वाजा भाई थोड़ा सा आएंगे, आएंगे एक मिनट खाली बात करेंगे. नहीं 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 ख्वाजा भाई थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं. प्रशांत जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप भी वीडियो पे बने रहे बहुत अच्छा लगा. मेरे लायक कोई भी सर्विस रहे, कोई भी सेवा रहे, आप प्लीज़ मुझे बेझिझक होकर कॉल कीजिए. जिस पर प्रशांत जी ने आपको आश्वासन दिया कि इनका काम बहुत बेस्ट हो रहा है, और इनकी हमारी फर्स्ट डीलिंग है, तो आपका भी काम बहुत बेहतर होगा, इसकी पूरी गारंटी है, पूरी जवाबदारी है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए. वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका प्यार इसी तरह बना के रखिए. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक. थैंक यू.